लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में नजर आ रहे जाने माने अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं। रणदीप हुड्डा अपने दोस्त अफरोज के साथ मिलकर पर्यावरण को साफ करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसी मुहिम में रणदीप मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर समुद्र किनारे सफाई का काम करते हुए दिख रहे हैं। Be the change you want to see. Love humanity, love environment, love your country and love your planet. रणदीप ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जिसके जरिए वो बता रहे हैं कि समुद्र के लिए प्लास्टिक बहुत घातक है, इसलिए वो समुद्र किनारे ढेर सारे कचरे में से प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे वो समुद्र में जाकर उसको दूषित ना करे। रणदीप ने इस वीडियो के साथ ही कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ समुद्र किनारे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने अपने इसी अभियान के बारे में सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करके बताया और साथ ही लिखा, जब पर्यावरण के गंद और शोषण को मैंने देखा तो ज्यादातर लोगों की तरह मुझे भी यही ख्याल आया कि ये किसी और का काम है, पर सच्चाई ये थी कि हम सब इस धरती के प्राणी हैं, इसमें हम सब एक साथ हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं अफरोज शाह जैसे जमीन पे खुद उतर कर बदलाव लाने वालों से प्रेरित होकर अपने आस पड़ोस में जो मुझसे हो सकता है करता हूँ, क्या आप कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और लग गए अपने दोस्त के साथ पर्यावरण के लिए। प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज होती है, हमें लगता है कि उसे फेंक देने से हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्या तो फेंक देने से ही शुरू होती है। समुद्रों के लिए प्लास्टिक बहुत घातक है। रणदीप हुड्डा की तरह ही हम सबको पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सब कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए, पर्यावरण हमारे लिए है तो हमको भी पर्यावरण के लिए बनना ही होगा।